सीएम पुत्र ने सनातन धर्म पर दिया विवादित बयान, गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा संत एवं सनातन समाज। तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान के बाद संत एवं सनातन समाज विरोध में उतर गया। विरोध स्वरूप मंगलवार को भीलवाड़ा के बाजार बंद रहे। संत समाज के आह्वान पर सैकड़ों की तादाद में हिंदू समाज के लोग सूचना केंद्र चौराहे पर पहुंचे। यहां से संतों के नेटवर्क में एक विशाल विरोध रैली निकाली गई। यह रैली मुख्य मार्ग से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां रैली में शामिल लोगों ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री के मंत्री पुत्र उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ नारेबाजी की और उसे तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करी। इससे पहले सूचना केंद्र पर बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में संतों ने स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए बयान का विरोध जताया और इस तरह के बयान और कोई भी ना दे इसके लिए स्टालिन को कड़ी सजा दिलाने को लेकर देश भर में आंदोलन चलाने की बात कही। आपको बता दें कि तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह है और इसलिए सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए का बयान दिया था। इस विवादित बयान के बाद संत समाज एवं सनातन समाज इसके विरोध में उतर गया। जय सनातन, घर घर सनातन। जो सनातन को तमिलनाडु से मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने जो ये कहा है, कोरोना मलेरिया डेंगू इस तरह की घातक बीमारियों की तरह जैसे बीमारियों को ख़त्म किया जाता है, उसी प्रकार सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए और ख़त्म करेंगे। अरे सनातन को ख़त्म करने वाले औरंगजेब बाबर कितने ही आए, नहीं ख़त्म कर पाए। और ये अब राजनीति की शपथ लेने के बाद और इस प्रकार के खुले मंच से कर रहे हैं। हमारी संतों की यही मांग है कि इनको राज्य मंत्री और वहाँ की सरकार को भ्रष्ट किया जाए, निरस्त करके राष्ट्रपति शासन लगाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। वह इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता वाले जो भी सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, सनातन धर्म के इस भारत में 80 करोड़ से 100 करोड़ तक व्यक्ति हैं, जो क्या उनको ये किस प्रकार से देख रहे हैं, उनकी क्या मानना चाहते हैं या क्या भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं। इस प्रकार के वक्तव्य देखे, जे इसको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया तो भारत में भीलवाड़ा ही नहीं अपितु पूरे भारत क्या विश्व में सनातन धर्मी रोड पे आकर और अशांति फैल जाएगी भारत में। ऐसा ना हो कहीं भारत में घर घर पे से घर घर में से ये आकर सनातन धर्मी और सरकार को इस प्रकार का कठिन निर्णय लेना पड़े और इनको तुरंत गिरफ्तार करके सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए और सनातन धर्म के लिए कठोर नियम बनाकर आगे कोई भी इसका वक्तव्य नहीं देना चाहिए। जो इंडिया गठबंधन पार्टी है उसमें से अभी तक किसी ने कुछ भी वक्तव्य नहीं दिया है और वो उसका समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्रियों के बेटे व अन्य। ये इंडिया पार्टी है या डांडिया पार्टी करवाना चाहते हैं सब जगह भारत में। ये इस तरह होगा तो हर घर से लठ और हर घर से सनातनी बाहर आएगा अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए। उनके वक्तव्य के बाद जब वो बोल रहे हैं सनातन खत्म कर देंगे तो हम लठ लेकर भी सनातन को बचाने के लिए संत और सनातन धर्मी आएंगे। जय जय सनातन, घर घर सनातन।